सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में NHM के थ्रू एक और जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसमें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, MP ऑनलाइन के पोर्टल पे आप लोगों की यहाँ पे जा रही हुई, तो हम लोग यहाँ पे MP ऑनलाइन का पोर्टल हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है वो जानकारी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले MP ऑनलाइन का पोर्टल ओपन करने के लिए गूगल पे MP ऑनलाइन, ठीक है, iForm, ये हमको यहाँ पे टाइप करना होगा। टाइप करते ही सर्च करेंगे, देखिए गूगल पे सबसे पहली लिंक यहाँ पे निकल के आएगी iForm MP ऑनलाइन की। तो इसी पे दोस्तों हमको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते से देखिए इसका ऑफिशियल पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये MP ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका होम पेज है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आना है और मध्य प्रदेश NHM का जो सेक्शन है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है नेशनल हेल्थ मिशन NHM। तो MP NHM का यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे रहेगा। सबसे नीचे की तरफ हमको यहाँ पे आना है और देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई 155 नंबर की यहाँ पे रहने वाली है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था MP में NHM के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल काउंसलर की पोस्ट के लिए, तो दोस्तों फाइनली जो है आंसर की यहाँ पे आ चुकी है। ऑब्जेक्शन कॉलिंग यहाँ पे जारी कर दी गई। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया तो आप लोग अपने अपने आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑब्जेक्शन कॉलिंग, तो इसका जो है ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा और सिर्फ 2 ही दिन का समय आपको दिया गया, 30 मई से 1 जून तक का आपके पास यहाँ पे समय है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है अप्लाई, तो इस अप्लाई के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। तो इस पर एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए आगे का पेज कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ओपन होगा और देखिए कुछ चीज़ का आपको इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कैप्चा ये आपको फिल करना है एज इट इज़ जैसा यहाँ पे लिखा है और फिर आपको लॉगिन कर देना है। जब कभी भी आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो ये सही सही डिटेल्स आपको इसमें डालनी होगी। यदि आप लोग 3 से 4 बार ये जानकारी जो है रॉन्ग फिल करते हैं या फिर आप लोग यूज़र नेम गलत डाल रहे हैं या फिर पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, तो 3 से 4 बार ऐसा यदि आप लोग यहाँ पे करेंगे लगातार तो जो आपका अकाउंट है वो दोस्तों जो है ब्लॉक यहाँ पे कर दिया जाएगा। और यदि अकाउंट ब्लॉक हो गया तो देन आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और 2 दिन का जो समय मिला है वो समय भी आपका इसमें यहाँ पे निकल जाएगा। तो यदि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मालूम तो आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं उस वीडियो की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कैसे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके इसको फिल करके और लॉगिन कर लेना। और लॉगिन का देखिए जैसे पेज आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, तो जैसे आप लोग लॉगिन का पेज ओपन करेंगे इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे डायरेक्टली निकल के यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नेम आपको ये सिलेक्ट करना है, तो जो भी आप लोग ने एग्ज़ाम दिया है काउंसलर के पोस्ट के लिए तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोग पोस्ट का नाम, तो पोस्ट का नाम भी आप लोग देख लीजिए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल काउंसलर की पोस्ट है तो ये सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, तो ये जो है आप लोग अपने आवेदन से देख लीजिए, ठीक है, आवेदन पे एप्लीकेशन फॉर्म पे ये दिया होगा और एप्लीकेशन नंबर ही डालना, ठीक है, प्रोफाइल आईडी नहीं डालना, एप्लीकेशन नंबर पीछे की तरफ दिया रहता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वही आपको इसमें फिल करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं प्रोफाइल आईडी डालते हैं तो उससे ओपन नहीं होता है, और गेट डिटेल्स करेंगे तो डिटेल्स आपके नीचे ओपन हो जाएंगी। और यहीं की तरफ देखिए नीचे आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो व्यू के इस ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना, आपका जो क्वेश्चन पेपर आंसर की है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो इसके लिए आपको ऊपर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखिए एक होम का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देन जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये कुछ डिटेल्स आप लोगों से यहाँ पे मांगेगा, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है कौन से डिपार्टमेंट का था, तो यहाँ से आप लोगों को NHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, ये आपको यहाँ पे चुनना है। और इसके बाद लिखा है एग्ज़ाम नेम, तो एग्ज़ाम नेम NHM का जो काउंसलर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम था इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते से ही आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी और फीस के पेमेंट सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कवर की, अपडेट आपको यहाँ पर जरूर मिला होगा, ऐसे मेरी यहाँ पे उम्मीद है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे के कोई भी डिटेल आगे आपसे छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।